नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू परवल की मसालेदार सब्जी और इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसके साथ बनाएंगे चौकोर पराठा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम परवल लिया है और 2 आलू लिया है, जिसे धोने के बाद स्क्वायर शेप में काट लिया है और परवल को भी रब करने के बाद 2 भाग में डिवाइड कर दिया है और बीच से इस तरीके से काट लिया है। तो सबसे पहले हम सब्जी की ग्रेवी की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ 2 प्याज ली है, जिसे रफली काट लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है, 7 से 8 लहसुन के क्लॉव्स लिए हैं और अब इन सब को एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। प्याज अदरक लहसुन को ग्राइंड करने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब टमाटर पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर को रफली काट कर ग्राइंड कर लिया है। ग्रेवी की तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अब सब्जी बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ 1 कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम आलू परवल को तेल में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। यह स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब सब्जी को थोड़ा कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जी जल ना जाए। और देखिए, मैंने इसे बीच में खोल कर इस तरीके से चला लिया है। अब 1 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। सब्जी को बाहर निकालने के बाद कुकर में लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल बच गया है, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल फिर से ऐड कर दिया है। अब मैंने तेल में 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 हरी मिर्च को 2 भाग में डिवाइड करके डाल दिया है। सबको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब प्याज को लगभग 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, तो मैंने इसमें लगभग 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। कसूरी मेथी डालने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से चलाएंगे और इसके बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मसालों से तेल अलग हो चुका है, तो अब हम इसमें आलू और परवल ऐड कर देंगे। सब्जी को मसालों के साथ 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो इसमें पानी बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पानी कम रखा है। तो आप कुकर बंद करके कुकर में 2-3 सीटी लगाएंगे। सब्जी को पहले फ्राई कर चुके हैं और सब्जी आधी पक चुकी है, तो सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो सब्जी गल जाएगी। कुकर में 2 सीटी लग चुकी है और इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया है, तो कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद इसे खोल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार है। तो अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और हरी धनिया ऐड कर दिया है। अब सब्जी के साथ सर्व करने के लिए पराठे सेक लेते हैं। तो मैं यहाँ चौकोर पराठा बना रही हूँ। मैंने पहले से ही पराठे के लिए एक नॉर्मल डो तैयार कर लिया है
और आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। आप लोई अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा चकले पे डस्ट करने के बाद पराठा बेलना शुरू करेंगे। लोई को हमें बराबर बेलना है। अगर कहीं आटा चिपक रहा है तो सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। अब लोई को हर तरफ से बराबर बेलने के बाद उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। आटे को अब एक साइड से फोल्ड करेंगे और उस फोल्ड के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। अब दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे और तेल लगाएंगे और लास्ट में नीचे से फोल्ड कर देंगे। अब इसे स्क्वायर शेप में बेलना शुरू करेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे बराबर स्क्वायर शेप में हर तरफ से बेल लिया है। तो इसके ऊपर दोबारा तेल लगाएंगे और इसे फिर से साइड से फोल्ड करेंगे और तेल लगाएंगे। अब दूसरे साइड से फोल्ड कर लेंगे और उस पर भी तेल लगाएंगे। अब ऊपर से फोल्ड करेंगे और उस पर तेल लगाने के बाद नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। अब सूखा आटा डस्ट करके बेलना शुरू करेंगे और इसे दोबारा से स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। और लीजिए, ये मल्टी लेयर स्क्वायर पराठा तैयार है। तो अब इसे सेक लेते हैं। तवा गरम हो चुका है और मैंने पराठे को उस पर डाल दिया है। 30 सेकंड के बाद पराठे को फ्लिप कर देंगे और गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे। स्पैचुला से पराठे को दबाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब पलट देंगे और इस साइड अच्छे से तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद इसे फिर से फ्लिप करेंगे और अब दूसरे साइड भी अच्छे से तेल लगा देंगे। आप चाहें तो पराठा सेकने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एकदम मस्त पराठा सेक कर तैयार है। और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। पराठा तैयार है, सब्जी तैयार है, तो चलिए प्लेट लगा लेते हैं। तो देखा आपने, आलू परवल की साधारण सी सब्जी भी कितनी स्पेशल बन सकती है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।